दादा क्या कपड़ा पहन के आई है? इसकी आवाज़ है। But what nonsense guys, I'm not coming for this. Please. तुम्हें अगर कपड़ों पे कमेंट करना है ना, अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी माँ बहन के घर पे जाके करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरी। उर्फी जावेद का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसने नहीं सुना है वो तो जाके इंस्टाग्राम पे या फिर सोशल मीडिया अकाउंट यूट्यूब पे जाके चेक कर सकता है कि उर्फी जावेद क्यों फेमस है। उर्फी जावेद अपने अतरंगी फैशन के लिए मतलब फेमस है। उनके कपड़ों का जो अजीब तरीके ढंग से वो कपड़े वेयर करती है, उसकी वजह से वो फेमस है। और उन कपड़ों को अच्छे से कैरी करना कैसे है, वो उर्फी जावेद भले ही बहुत अच्छे ढंग से जानती है, लेकिन फिर भी बहुत बार उनको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। और जब एक जो मीडिया वाले होते हैं या फिर पेपराजी होते हैं, जब वही उनके लिए ऐसी कुछ बातें करते हैं, तो वहाँ पे उर्फी जावेद को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया कि जहाँ पे एक पेपराजी जब उनकी वीडियो ले रहे थे या फिर उनके उनके इंटरव्यू ले रहे थे, तो वहाँ पे एक पेपराजी ने कुछ बोला कि उर्फी जावेद आज ढंग के कपड़े पहन के आ रहे। ये वही पेपराजी है जो उर्फी जावेद के आगे पीछे भागते रहते हैं एक क्लिप के लिए, ताकि उनका चैनल या फिर उनका जो भी चैनल्स चलते हैं वो सब चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल रहे, क्योंकि उर्फी जावेद काफ़ी ज़्यादा वायरल रहती है। लेकिन जब यही पेपराजी उनके लिए उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो उर्फी जावेद का वहाँ पर गुस्सा फूटा, जिसके बाद उन्होंने अच्छी खासी पेपराजी की क्लास लगा दी और भरे सोशल मीडिया पर ही उन्होंने ये सब चीज़ें बोली। तो आप भी फिर से वीडियो देख सकते हैं कि क्या ये जो उर्फी जावेद ने गुस्सा किया, ये सही है या गलत है। क्योंकि अगर जो इंसान आपके वीडियो क्लिप लेके ही आपके नाम से ही पैसे कमा रहा है, सब चीज़ें कर रहे हैं, और फिर भी आपके पीठ पीछे ऐसी बातें बोलते हैं, तो वहाँ पे गुस्सा होना जायज़ है। तो देख लीजिए वीडियो। प्लीज, तुम्हें अगर कपड़ों पे कमेंट करना है ना, अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी माँ बहन के घर पे जाके करो।